हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है समीर और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेसिडेंट ईविल 2। भाई इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख ले, भी नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और ये 4th पार्ट होने वाला है, इसमें हो सकता है भी गेम इंड ही हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो भी पूरी स्टोरी समझने के लिए पिछले पार्ट भी ज़रूर देखें। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से दबा लें। तो चलिए फटाफट चलते गेम की स्क्रीन पर, बाकी बातें वहाँ करेंगे। हाँ, तो लास्ट वाले पार्ट में भी यहाँ तक आ गए थे और यहीं पर गेम को सेव कर दिया था। अब यहाँ से आज वाली वीडियो में भी आगे खेलेंगे, और यहाँ से आए थे, हाँ भाई इस साइड से आए थे, और सामने देखेंगे भी एक डोर लगा हुआ है। ओ भाई, अपने पास आईडी रिस्टबैंड तो है ना यार, तो एमओ भी सारी खत्म हो गई थी यार, सिर्फ 7 एमओ बची थी। इधर भी एक डोर, इधर चेक कर लेंगे। तो वहाँ किसी और टाइप की भी आईडी रिस्टबैंड लगना है क्या फिर से यार। ये भी डार्क सीन स्टार्ट हो गई है। ओ भाई आवाज़ें आ रही भी इसके अंदर से। हाँ वो देखो, तो ये अच्छा ग्रीन वाला गेट खुलेगा भाई, ब्लू वाला नहीं खुलेगा। आप समझ में आ गया भाई, ब्लू वाला रिस्टबैंड लेना है। ये देखो, अरे भाई ग्रेनेड भी एक ही एमओ है यार, क्या करें भी? अच्छा यहाँ एमओ है। चलो ये तो भाई कुछ सुन ही नहीं रहा ना, ये देखो गुस्से में आ गया ये। अभी एमओ है अपने पास, इतना डरने वाली बात नहीं। फ्यूल, अच्छा भी अपने पास फ्लेम थ्रोवर थी, ठीक है, तो सबकी एमओ भी मिल रही है यार धीरे धीरे। अरे नहीं, वहाँ से कोई, इसको थोड़ा सा भी जलाते हैं, मज़ा आएगा। जला नहीं, नहीं जला। अबे इसको असर ही नहीं कर रहा ना। अब है इससे अच्छा पिस्टल ही है भाई। तो इस तरफ जाना है। ओ भाई सीढ़ी, इधर एक बार चेक कर लेंगे कुछ है तो नहीं। अच्छा आवाज़ आ रही है रैकून, तो यहाँ पर भी कहीं डोर शो कर रहा है यार, कहाँ है डोर? अरे भाई, अबे क्यों ही डरा रहा है यार ये, उठ जाने ना। तो एडा ने हमको काम पे लगा दिया है, और वो बैठी हुई केबल कार में, और उसके लिए हमको लाना है अभी जी वायरस। अबे कहाँ है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं बस। नाइफ, अच्छा यहीं से आए हुए हैं भाई, उधर क्यों ही देखना। अबे नहीं, ओ भी पीछे, अच्छा इसीलिए नाइफ मिली थी क्या यहाँ? तो भी जैसे ही डोर खुला आगे पकड़ लिया है। अब क्या है यार, फिर उठ रहा है, उठने देते हैं यार इसको। अटक गया क्या भाई ये? नहीं अटका नहीं है यार। चलो काम खत्म। अबे भाई बहुत डरावनी सीन है यार, शॉटगन की एमओ मिली, इलेक्ट्रॉनिक चिप। अच्छा भाई हाँ समझ गए, इसको कंबाइन कर सकते हैं भी। अब ये जितने भी ब्लू वाले डोर हैं भी, वो सारे खुल जाएंगे इससे। शॉटगन रिलोड करेंगे भी पहले। सामने क्या है नहीं पता, चलो। रेगुलेटर, फ्लेम थ्रोवर की है क्या, है कंबाइन कर सकते हैं इसको? ओ भाई इसका मतलब केमिकल फ्लेम थ्रोवर, अब इसमें से केमिकल भी निकलेगी भाई फायर की जगह, सही है। ओ भाई ब्लू वाला भी एक्सेस हो गया ना। ओ भाई, अबे ये आया कहाँ से, मार के छुट्टी ले गया। चलो अब नहीं उठेगा भाई, कंफर्म है ये नहीं उठेगा। तो ये वाले डोर का भी काम खत्म हो गया अपने।
Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. East area, West area, East area. इसके पास हाँ कुछ तो है. Special Forces recording. G virus is in West area. अच्छा भाई तो वेस्ट एरिया में जी वायरस रखा हुआ है अपना जो हम लेने आए हैं और ये रास्ता बनेगा. हाँ लगा ही था. तो इसका मतलब राइट साइड नहीं जाएंगे भाई, लेफ्ट साइड ही जाएंगे पक्का, क्योंकि यहाँ क्या है एक्सेस डिनाइड. ऊपर भी दो लगे हुए हैं. सीनियर स्टाफ क्लीयरेंस रिक्वायर्ड फॉर ब्रिज एक्सेस. तो इसका मतलब ये अपग्रेड योर आईडी रिस्टबैंड है, तो वहाँ जाने के लिए भी अपनी जो आईडी रिस्टबैंड है वो अपग्रेड करनी पड़ेगी पर्पल में. अभी तो ब्लू है, ब्लू वाला ही सारा खुलेगा. हाँ अभी तो पीछे वाले रास्ते में आई थिंक हमको मिलना चाहिए पर्पल, सिर्फ पर्पल आईडी रिस्टबैंड लेने के जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ जाएंगे जी वायरस के लिए. चलो इतना तो भाई समझ में आ गया. ओ भाई ये एरिया काफ़ी अच्छा है भाई. गन पाउडर मिल गई भी, 40 एमओ बन गई यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार. अच्छा भाई इधर तो जाएंगे बाद में, सामने देखेंगे भी क्या है. अच्छा ये बैक साइड से बंद है भी, ठीक है तो इधर ही जाना पड़ेगा. अबे ये कहाँ चले आए भी. अच्छा ये पर्पल कलर की आईडी रिस्टबैंड, तो यही हमको चाहिए भी. What happened here? Senior staff clearance required for computer access. Okay. तो भाई ये जितना भी पर्पल बना हुआ है पर्पल आईडी रिस्टबैंड से. अरे भाई तो पर्पल चीजें पर्पल आईडी रिस्टबैंड से खुलेंगी, ये कुछ अजीब सा नहीं है भाई ये. अरे भाई काफी हॉरर है भाई ये, हमको लगा भी ये गिरने वाला है. अरे भाई कोई आवाज आई भाई ड्रोन. हाँ लगा ही था भाई. What the? तो यहाँ भाई लकड़ी वाले मॉन्स्टर भी है. अबे ये जिंदा है या मर गया पता. अरे नहीं भाई जिंदा है यार ये. What the hell? अरे भाई ओ भाई अब आग लगी है इसको, इसका मतलब भी सबको जलाना है यार. एरर. अच्छा भाई यहाँ पर कोई कोड लगेगा, ये 1 लाख और ये 1 लाख, ठीक है इसको चेक करेंगे. Dispensing solution now. Dispersal cartridge. कुछ तो इसमें भी लगाना पड़ेगा, वो अभी फवारा निकला था ना. अरे भाई फिर वही भयानक सीन. अरे वो देखो सामने ही है भी. Jesus. आ जाओ अभी तो डरने वाली कोई इतनी बात है नहीं भाई जब तक ये फायर गन है. अच्छा यहाँ पर कोड बना हुआ है, इस कोड को याद कैसे करेंगे भाई. चलो ठीक है देख लिया कोड को, इसको पूरा जला ही देंगे ना भाई. हो भाई जल गया. अरे भाई अबे ऊपर से भी गिरते हैं यार, इसको भी अब जला ही देंगे. पास में जाए पकड़ ना ले यार ये. अरे लग जा भैया. आ गया यहाँ ऊपर भी एक. छोड़ो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे यार भाई, उसको मारने के चक्कर में कोड भूल गए. चलो फिलहाल देखते हैं यार क्या था. एक ये था और एक डबल लाइन, फिर ये. तो ये अपना अनलॉक हो चुका है भाई एक. अच्छा इसमें रास्ता है भाई, हमको लगा कोई बॉक्स वगैरह होगा, पूरा भाई अंदर रास्ता बना हुआ है. गन पाउडर. हाँ भाई गन पाउडर तो चाहिए यार.
8 MO बन गई हुई मैप, रिसर्च लैब ईस्ट एरिया मैप। ओ भाई काफ़ी बड़ा नहीं है यार ये सारा, सारी गन भी रिलोड करके रखेंगे, क्या पता किससे कब मुलाकात हो जाएगी। सर्वर रूम भी इधर शो कर रहा है सर्वर रूम, लेकिन भाई ये कुछ बैटरी वाला लोचा है। शॉटगन की एमओ मिली, मतलब कुछ फाइट होने वाली है भाई जबरदस्त। ट्रॉफी तो भाई ये ट्रॉफी क्यों ही मिली होगी यार, और ट्रॉफी इन द शेप ऑफ डीएनए हेलिक्स। अरे भाई अच्छा इसमें एक कोड लिखा हुआ है नीचे के साइड पे, चलो ये कोड भी वो वाले लाख का होगा कंफर्म है। मर्फ वहाँ पर पफ लिखा था शायद, आई थिंक ये पफ ही लिखा था, यहाँ मर्फ लिखा है, ये क्या है पता नहीं। अच्छा ऐसा तो नहीं भी इसी से रास्ता ओपन होगा। ओ भाई तो, अरे अरे नहीं मर गया भाई, अरे बम मुंह में ठूस दिया भाई इसके, पहले पीछे जाएंगे यहाँ से। ओ भाई आतंक मचा दिया यार यहाँ तो, अब थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है भाई। इतनी भी खतरनाक फाइट होगी ये नहीं पता था। अरे भाई कोई उठा, आओ आओ, अब नहीं उठेगा भैया, पूरा मूड ही खराब कर दिया भाई इसने तो। यहाँ भी एक लो टेम्प टेस्टिंग, तो भाई सामने बैटरी टाइप का कुछ लगेगा तभी ये डोर ओपन होगा। ठीक ये बात तो क्लियर हो गई, तो कुल मिला के भाई अपने को कोड मिल चुका है और कोड लेके जाएंगे भाई जल्दी से। अरे पिस्टल चलाएंगे ना, क्या जरूरत है वो चला लेंगे। चलो यहाँ तो कुछ भी नहीं क्लियर है भाई। अरे भी डरा दिया यार, अबे चुप, ऊपर ही गिरा दिया था भाई मेरे। अरे यार हाँ ठीक है ये आवाज आए तो ठीक है, अबे नीचे से भी आवाज आ रही ना। चलो भी अभी एमओ की कमी तो है नहीं अपने पास। हाँ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर क्या है, अच्छा बैक साइड से भी ये फिर से उठा, और है कोई, अच्छा सामने भी बैटरी दिख रही है एक सिग्नल मॉड्यूलर। समबडी नोट बर्न देम ऑल, भाई कोई कह रहा है यार कि भाई सबको जला दो एक तरफ से जितने भी हैं, तो यहाँ का हिसाब किताब पूरा क्लियर है भाई। अरे वापस जाके भी एक बार डोर ओपन कर सकते हैं क्या, वापस जाएंगे वे। मर्फ अच्छा तो यहाँ सारे कोड लिखे हुए हैं, अबे ये कैसे बदलना है। अरे अरे क्यू ई, हाँ भाई मर्फ पे लगा दिया है, और इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करना है आई थिंक। हाँ भाई ये सेट हो गई है, हो जाना चाहिए भाई ये। अबे ये बैटरी, अच्छा ये जो भी था वापस मिला कि नहीं एक बार चेक करेंगे यार। हाँ भाई वापस मिल चुका है, और दो डॉलर लाख थे भाई उसको भी चेक कर लेंगे यार इधर। एक तो अपना यहीं पर है गन पाउडर, 8 MO भी इसकी भी बन चुकी है यार, इसको भी रिलोड करेंगे जल्दी से, क्योंकि कोई भी गन का कभी भी काम पड़ सकता है। फ्यू तो यहाँ क्यों रेड है भाई, नाइफ तो यहाँ कुछ भी नहीं, बस थोड़े से आइटम पड़े हुए थे भाई, उसके लिए इतनी मेहनत किया है बताओ। अच्छा एक डोर और था भाई इस साइड, हाँ नहीं इसको चुपचाप बैठ। अच्छा
तो हम डॉक्टर ली की जगह पे हैं क्या? फैन ली इन बॉक्स, हटाओ भाई इन बॉक्स को, इतना कौन पड़ेगा भाई? Who left the freezer open? ओ भाई लियोन कांप रहा है यार ठंड में, क्या लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं भाई, एरर। तो इसमें भाई कोई और दिक्कत है यार, अबे ठंड लग रही है, मर ना जाए यार लियोन यार। चलो भाई यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ मतलब आना ही पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, ये तो समझ में आ गया भाई। अच्छा तो भाई हमको जाना था लॉक खोलने, कोड तो अपने को मिल ही चुका है भाई। हाँ एक अनलॉक हो चुका है और दूसरा वाला अनलॉक करेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे भाई कोड। अभी ये सीधा, अच्छा सीधा इधर ही, कैसे याद रखेंगे इसको? बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स के नीचे एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक। तो पहला तो ये है अपना, दूसरा पतला, और ये, फिर ये हो गया अनलॉक भाई ये भी। चलो चल के देख लेते हैं भाई क्या अनलॉक हुआ है। एक आईडी रिस्टबैंड के लेने के लिए भी इतनी कहानी चल रही है यार। अच्छा तो भाई नीचे, हाँ डिस्ट्रॉय प्लांट 43, तो नीचे जहाँ हम लोग गए थे भी वहाँ पर जाना पड़ेगा उसको कूल करने के लिए, ठीक। यहाँ का खेल क्या है देख लेते हैं एक बार। तो ये एक तरह से दवा कह सकते भाई, ये दवा बना रहे हैं वो पेड़ को मारने के लिए। तो इसमें पजल सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा इसको फिल कैसे करना है यार स्पेस? अबे नहीं, अच्छा समझ गए भाई, ये पाइप के कनेक्शन से यहाँ पर, हाँ ठीक इससे फिल करेंगे, ग्रेट। अबे नहीं यार इसको फिल करना है ना इसके अंदर, ये क्या पजल दे दिया भाई। एक बार इसको ट्राई करते हैं, अबे नहीं फिल करना था यार इसको, फिल करना था अभी, ये रेड का निशान है। और चलो ये तो क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया, अब क्या करना है? इसको अगर इसमें डाल दें तो हो जाना चाहिए भाई। ओ भाई हाँ हो ही गया है भाई, डिस्पर्सल कार्ट्रिज सॉल्यूशन। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई, ये ट्रॉफी का काम खत्म हो गया, और जगह क्या ही बनने वाली है, नहीं भी कोई जगह नहीं बनने वाली। तो अब जाना है भाई नीचे के साइड पे वो कूल करने के लिए, ठीक है जाएंगे भाई। अबे ये देखो पूरा जल गया है भाई, ये हमको लगा फिर से उठ गया है मगर नहीं है, जलाने के बाद नहीं उठता भाई, फिर से ना उठ जाए भाई ये लोग। फ्रीज करके निकलेंगे भाई पक्का, कुछ ना कुछ धप्पा होगा ज़रूर। ओ भाई इसकी जान निकली जा रही है पहले ही, इस बार कूल हो जाना चाहिए आई थिंक। ओके चलो अभी एरर तो नहीं दिया ना। तो भाई ये केमिकल आई थिंक काम करना चाहिए, वहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ है उसको वो सुखा देगा और हमको वो मिल जाएगी आईडी रिस्टबैंड पर्पल कलर की। ये अपनी दवा बन चुकी भाई एक एक तरह से, यहाँ से निकलेंगे और रेडी भी रहना है भाई फाइट करने के लिए, क्योंकि चुपचाप निकलते हैं भाई यहाँ से बिना शोर शराबा किए निकले जा रहे हैं भाई, कोई उठा नहीं ये तो अच्छी बात है भाई। तो भाई ये पूरा चला देगा ये केमिकल, उनको पानी देने के लिए वो मशीन लगी हुई है, हाँ भाई ये समझ में आ रहा है, उसमें हम लोग केमिकल मिला के उस पेड़ को सुखा देंगे भाई, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है भाई। डिस्पेंसिंग सॉल्यूशन नाउ, क्योंकि भाई रेसिडेंट ईविल 1 में, हाँ भाई ये मिल गई,
वन में भी थोड़ी थोड़ी सीन थी भाई इस वाले पेड़ की। You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions ये डॉक्टर ली है आई थिंक ना। अबे गन भाई लगा लेंगे सबसे पहले। उठना है तो अभी उठ जाओ। हाँ पता ही था भाई इतना चुपचाप लेटा हुआ था। अबे मर जा बे। गया बे। अबे डॉक्टर ली। अबे ये ऊपर था भी डॉक्टर ली ये है ना। चलो फिलहाल हमको क्या ही करना है इन सब बातों से। ओ अबे नहीं मिस्टर एक्स को भी भाई अभी आना था यार। Shit! Him again? नहीं नहीं भाई कोई फाइट नहीं भाई। सीधे बच्चे हम लोग सीधे भाग जाएंगे भाई यहाँ से। हमको जो चाहिए था वो मिल गया है लेकिन अबे नहीं ये रास्ते से आना पड़ेगा भाई। ये तो नहीं सोचा था ना। आ रहा है भी। भागेंगे भी। अबे ये कहाँ फंस गए। ये फंसे नहीं भाई यहाँ से। अच्छा अच्छा इसको कंबाइन किया ही नहीं ना। हाँ अब काम हो जाना चाहिए। ग्रांट कार्टवाइड इनबॉक्स। चलो अभी ग्रांट अपना है एक्सेस हो चुका है यहाँ से। अच्छा म्यूजिक भी बंद हो चुकी है भाई। अच्छी बात तो ये है कि म्यूजिक गेट द जी वायरस सैंपल इन द वेस्ट एरिया। ठीक है भाई चलेंगे। नहीं भाई मिस्टर एक्स की आवाज़ बंद नहीं हुई है यार। वो आ ही रहा है भाई। तो हम लोग यहाँ रुक के क्या फ़ायदा। कोई मतलब नहीं भाई रुकने का। सीधा वेस्ट एरिया जाएंगे भाई। तो अपने पास एक्सेस आ चुका है इसको ओपन करने का। चलो भाई रास्ता बन चुका है। हाँ वही मैं भी कहने जा रहा था। तुरंत भाई जी वायरस लेंगे निकलेंगे यार यहाँ से जल्दी जल्दी। फिर से वही भाई डार्क सीन यार। अबे कुछ है इसके पास। लैब डिजिटल वीडियो कैसेट। चलो भाई ये कैसेट यार क्या काम किए भाई। यहाँ भी लगाना है। ओ एस एस सेट करना है अभी इसको यहाँ पर। हो गया भी इतनी जल्दी भी बनाने लगा हूँ यार मैं तो। भाई कहीं का तो डोर ओपन हुआ है। यही वाला होगा आई थिंक। ओ भाई VCR मिल गया यार। पहले ये देख ही लेंगे ना कैसेट को। जी वायरस सैंपल है भाई। ओ भाई डॉक्टर बर्किन यू कम अलोंग विद अस क्वाइटली। यू थिंक आई डिडंट नो यू वर कमिंग। दिस इज माय लाइफ्स वर्क। आई एम नॉट हैंडिंग ओवर एनीथिंग। वी हैव आवर ओन। अच्छा भी बर्किन डॉक्टर है। एनेट बर्किन का हस्बैंड है भी। हाँ समझ में आ गया भाई। इसको किन लोगों ने मारा है यार। स्टार्स वालों ने अम्ब्रेला वालों ने पता नहीं जो भी है। What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. भी इसको डांट रहा है यार। उधर मार दिया उसको। We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. तो भी इनको सैंपल मिल गया है। Let's move. अच्छा तो भी यहीं की सीन थी ना वो कैमरे वाली। अच्छा तो ये वायरस लेके चले गए हैं। अच्छा उस अच्छा भी अब समझ में आया। ये जो डॉक्टर बर्किंग है भी ये अपने इंजेक्ट कर लेता है वायरस को जी वायरस को। तो भी ये अपने इंजेक्ट कर लेता है और उसके बाद बन जाता है मॉन्स्टर। तो उसको तो हमने भाई दो बार मार दिया है। तो मिस्टर एक्स का भी कुछ करना पड़ेगा यार। सिर्फ यही परेशान किए हुए भी इसको भी मारेंगे यार। ओ भाई लेजर लेजर तो नहीं निकल आएगी भाई। इसको देख के तो ऐसा ही फील हो रहा है।
कहाँ आगे भी? अच्छा सामने एक डोर लगा हुआ है। अबे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहीं पर वायरस बनाते आए थे। रेसिडेंट ईविल 1 में भी भाई इसी टाइप में वो रहता है टायरेंट, जिसको वेस्कर भी खोल के चला जाता है। सैंपल रिटर्न टू एडा। अच्छा भाई इतनी आसानी से मिल गए भाई। अच्छा तो यहाँ मशीन ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये ऐसे ही निकाला गया है, तो एडा के पास जाना है भाई फटाफट देने के लिए सैंपल। ओ भाई विलियम, अबे ये मरा नहीं ना, दो बार भाई मार चुके हैं इसको। अनेट ओ भाई वो भाई इसकी वाइफ ने मार दिया इसको, तो इसका मतलब भी अभी तक ये पाल के रखे थी क्या इसको? अच्छा भी तो ये वाला right from the start. अबे भाई इतना टाइम कहाँ है यार? You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? तो इसको स्टार्टिंग से ही पता था। We made the G virus, but we never intended this. Spin it any way you want. ओ भाई। इसके पास गन वैसे बहुत अच्छी थी भाई, गन अगर मिल जाती तो हाँ ये बॉस फाइट होने वाला है, तभी तो इतने आइटम मिल रहे थे भी। तो ये अनेट ने काम बढ़िया किया भाई, उतरे स्पेस में कैसे फाइट करते, तो स्पेस ज्यादा मिल गई। भाई भाग लो यार, पहले दूर होके भाई फाइट करेंगे। स्नाइपर होती तो बढ़िया फाइट होती ना इसे। उसके ऊपर ही भी फोड़ दिया भाई। अबे भाग, एमओ खत्म, दो एमओ बची है भाई। अच्छा यहां पर कुछ है, अबे पिस्टल की एमओ क्या ही करेंगे भाई। अरे भाई पिस्टल की एमओ नहीं उठाना था ना यार, मैग्नम एमओ। अच्छा भाई अपने पास मैग्नम भी तो है ना। अबे हटा, अब यह कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अबे नहीं, पिस्टल से क्यों ही मार रहे भाई बॉस को। ओ भाई भाग पीछे। ओ भाई हेल्थ हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ लगाएंगे।
पड़ी, पड़ने वाली है भी। हाँ पता ही था भाई, हेल्थ ना लगा दे तो पक्का चले जाते। अबे भी मर गए क्या? अरे भी मार ही दिया ना उसने। चलो भाई फिर से ट्राई करेंगे मारने का। इसके पास नहीं रहना भाई, ये समझ में आ गया हमको। दूर दूर से ही फाइट करेंगे भी। अच्छा अपने पास फ्लेम थ्रोवर भी तो है ना, आग लगा देंगे भाई। आग भी असर नहीं कर रही यार इसके ऊपर भाई, ये गन भी नहीं असर कर रही तो क्या ही असर करेगा भाई। फिलहाल अपने पास गन है तो यार यूज करेंगे ही ना। तो भाई खत्म हो गई यार। मैग्नम चलाएंगे, आ जा। पूरी मैग्नम उतार देंगे भाई इसके पेट में। अबे कुछ खतरनाक भी करने जा रहा है, भागो यार। ओ भी पूरा वही निकाल लिया ना उसने तो। स्प्रे तो यूज ही कर लेंगे अभी। ओ भी मैग्नम यार जबरदस्त है भाई, इसको 6 या 7 एमओ में ही मार दिया भाई। तो यहाँ पर फ्यूल मिल गया अभी 200। तो भाई इस बार यार इसका खेल खत्म हो जाना चाहिए भाई, नहीं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा भाई। हाँ इस बार तो भाई पक्का मर ही गया लग रहा है ऐसा भाई। यहाँ से निकलेंगे जल्दी से, तो यहाँ पर लिफ्ट है भी, इससे निकलेंगे यार ऊपर। लिफ्ट एलिवेटर जो भी है, ये जिंदा है यार, हमको लगा भी मर गई। नहीं मरी नहीं थी। Feels worse. Believe me. Talk about what you said. Know how much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. Trust that bitch. Oh, भाई हेडा को गालियां दे। She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit. I hope you're right. Oh, boy. But it's the G virus. To the wrong hands. तुझे भी एडा को बता रही थी कि वो जो है एफबीआई की एजेंट नहीं है, वो इसको सेल करेगी। अब लियोन का मूड खराब है, पूरा मूड इसका अपसेट हो गया। तो फिलहाल अपने को क्या है भाई, अपने को यहाँ से निकलना है भी जल्दी से। ओ भाई एडा भी आ गई। अबे ये आई कैसे? अच्छा मशीन से, ठीक है। I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. अबे अभी पूछना है। Tell me you got it. Oh, I got it. अच्छा एडा को भी उसी चीज की पड़ी हुई है। You're not FBI. अरे सारे सवाल यही पूछना है भी। सारा टूट रहा है भी। ये लोग देखो यहाँ खड़े हुए। ओ भी। As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine. So drop that damn gun. I'm taking you in.
Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. ओह भाई, तो दोनों तो एक दूसरे को नहीं मारना चाहते ना? And you shoot me. But I don't think you can. वो भी तो नहीं मार सकती. ओह, एनेट ने चला दी भी गोली. सैंपल गया कि भाई नीचे. अच्छा, तो लियोन की बात भी वही हो गई कि मैंने तो नहीं दूंगा यार. इसको भी सुकून मिल गया. तो अब ये चैन की मौत मरेगी. अबे खींच ना. अबे अच्छा, तो एडा नीचे जाना चाहती है क्योंकि सैंपल भी तो नीचे ही है ना. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लियोन. ये ओरिजिनलिटी नहीं बताएगी. यस नो, ये तो बच ही जाएगी भाई. क्योंकि उसको सारी ट्रिक पता है. और ज्यादा गुस्से में भाई. एक तो पहले ही इतने गुस्से में था, उसके बाद टाइमिंग चलने लगा. एस्केप द लैब, तो भाई एस्केप करने का ऑप्शन हाँ यहाँ से होना चाहिए. अच्छा, यहाँ तो वो अनलॉक करके ही गई है ना एडा. ओ भाई, ऑटोमेटिक. मैं तो बटन ढूंढ रहा हूँ यार इसके अंदर. ये ऑटोमेटिक है. तो 9 मिनट में भी यहाँ से एस्केप करना है. जैसे कि भाई रेसिडेंट इवल 1 में हुआ था, उसमें तो 3 ही मिनट मिले थे यार, इसमें 9 मिनट काफ़ी है. इसका मतलब भी मेन बॉस से फाइट लंबी होने वाली तो नहीं है, क्योंकि इसमें टायरेंट था, उसको उससे उतनी ज़्यादा फाइट नहीं हुई थी भाई. चलो भाई कुछ भी. अरे यार, मैं बोल रहा था कुछ भी नहीं देखना भाई शाम. कौन है भाई? ओ भाई क्ले. अरे क्लेयर भी है इस गेम में यार. Yeah, but the whole place is coming down. तो भाई एडा के चक्कर में तो मैं क्लेयर को भूल ही गया था यार, सच में. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey Leon, you're breaking up. अच्छा भी इनको ग्लिच कर रही भी इनकी वॉइस या नेटवर्क, तो ठीक से बात भी नहीं हो पाई है. लेकिन क्लेयर ने कहा है कि यहाँ से निकल सकते हैं, तो कहाँ निकल सकते हैं? चलो देखते हैं भाई कहाँ निकल सकते हैं. तो अपने पास ऑलरेडी सब कुछ है भाई, जितना भी फाइट का आइटम है वो सारा है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है. तो बस ये देखना है कि फाइट भी कहाँ होने वाली है. अबे नहीं, अबे 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 अटक गए. भागेंगे भाई. ज़रूरी है कि फाइट करें भाई इनसे? नहीं, ज़रूरी नहीं है. अबे भाई, अबे ये कहाँ आ गया ना मेरे ऊपर? चलो इसको आने दो भाई, इधर से निकल जाएंगे. ये रास्ता खुल जाए भाई बस. अबे लो, इतना टाइम नहीं है भाई, शॉटगन से मारेंगे सब. ओ भाई, ओ अपने पीछे ही आ गया था भाई इतनी तेज.
ओ भाई, इसका मतलब यहीं पर फाइट होना है। ओ नहीं भाई, यहां भी फाइट नहीं होगी। जॉइंट प्लग, तो जॉइंट प्लग भाई कहां लगना है? यहां लगना है। तो भाई पूरा तोड़ फोड़ के भी तबाही मचाए दे रहा है यार। फुल फॉर्म में आ गया है ना वो अपने। भाई तो ये बॉस की फाइनल फाइट होने वाली है, ठीक है समझ में। तो इसको भी आग लगा के, नहीं कोई मतलब ही नहीं भाई आग लगाने का, भाग ले। अरे भाई अबे नहीं, मौका ही नहीं दे रहा ना, इतनी स्पीड से चलेगा भाई तो कैसे मारेंगे यार इसको। अबे भाई बच गए। अरे नहीं भाई पड़ गई यार, भाग। अबे इतनी जल्दी आग भी बुझा ली ना इसने। पड़ी भाई, ओ भाई मुंह पे मार दिया यार पूरा। पहले हेल्थ लगाएंगे भाई, लास्ट टाइम मर गए थे भी, इस बार ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेंगे। हेल्थ भाई ले के आए, मैग्नम 3 MO है भाई, ये भी मार ही देंगे। एक और, अरे भाई बच गए, पड़ी नहीं। अबे भाग, दूर भाग, पहले पहले दूर भाग। हेल्थ, अबे भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट है भाई ये। अबे पूरा मुही में डाल दे रहा है यार ये। हेल्थ, लास्ट हेल्थ है भी, सारी हेल्थ खत्म हो गई, एमओ भी सारी खत्म हुई हो गई है भी। तो क्या पिस्टल से मारना है इसको? ओ भाई अरे भाई कुछ तो हुआ यार, कुछ तो अच्छा हुआ भाई। अरे लॉन्चर भी, लॉन्चर किसने दिया है? एडा, अबे रुको यार, तो एडा ने भी फाइनली लॉन्चर दिया यार। मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे, बहुत लो भी। एक ही लॉन्चर में काम करता हो भी, आधा पीस हो गया ना, 2 पीस में बढ़ गया है, ऊपर का पीस गायब ही हो गया है। तो एडा इसका मतलब भी जिंदा है। तो 4 मिनट है भी अपने पास। अबे ये क्यों ही लिए? ओ भी अब समझ में आया क्यों लिए हुए। लॉन्चर चलाना है यार, और भी चलाना है क्या? गन तो चेंज करनी है यार। ट्रेन, get out of here.
ओ भाई पूरे में तबाही मच गई है ना। तो फाइनली भी एस्केप कर लिया लियोन ने। तो ये इंड है भाई, इंडी लग रहा है ना। अब एडा तो वहाँ फंस गई है, एडा का क्या होना है। आईडी बैंड इमोशनल सीन। हाँ तो मिस करेगा ही। तो रिस्बैंड का काम खत्म हो गया तो फेंक दिया इसने। अच्छा क्लियर। Hey, we made it. Just like I said we would. तो उसके साथ में बच्ची कौन थी पता नहीं। जो भी है भाई अपना तो गेम इंड हो चुका है। तो फाइनली भाई ये गेम इंड हो चुकी है। तो इसका मतलब भी रेजिडेंट इविल 1 और 2 हमने भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग खेल लेंगे रेजिडेंट इविल 3। अगर भाई रेजिडेंट इविल 3 के अलावा और कोई गेम भी आपको देखना है तो नीचे कमेंट में भी ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से दबा लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।